My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. P.N. Sehgal Inter College, Kanwakhera, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. नमस्कार, मैं मौजूद हूं इस समय सीतापुर के RMP इंटर कॉलेज परिसर में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे लोगों की भीड़ और कुछ के हाथों में देख रहे होंगे EVM मशीनें। यह पोलिंग पार्टियां हैं जो अब कल होने वाले मतदान को संपन्न करवाएंगी। आप उनके हाथों में देख रहे होंगे, कुछ के हाथ में VVPAT जो बैलेट वो यूनिट है, एक किसी के हाथ में कंट्रोल यूनिट है, किसी के हाथ में जो है VVPAT यूनिट है, और ये जो है बैलेट यूनिट है। आपको बता दें, यहाँ पर जो है सीतापुर संसदीय सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल 3578 पोलिंग पार्टियाँ बनाई गई हैं, जिनमें 3249 पोलिंग पार्टियाँ एक्टिव हैं, जबकि 329 पोलिंग पार्टियाँ जो है बैकअप के रूप में जो है रिजर्व पार्टी के रूप में रखी गई हैं। आपको बता दें, इन पार्टियों में जो है एक पीठासीन अधिकारी जिनकी कुल संख्या जो है 3578 है, एक मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय और मतदान अधिकारी तृतीय। यह जो है सभी बूथों पर जा कर के, आपको बता दें, चुनाव में उतरे जो है जो 8 प्रत्याशी हैं उनके जो भाग्य का फैसला करने वाले मतदाता हैं। 17 लाख के करीब सीतापुर संसदीय सीट पे मतदाता हैं और वह 8 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। आपको बता दें, यहाँ पर जो है जो मतदान कर्मी हैं उनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, उनके साथ कुछ बच्चे भी हैं जो है अपनी माता जी के साथ ड्यूटी पर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो नज़ारे हैं, यह मतदान कर्मी हैं और यह कल जो चौथे चरण का मतदान होना है, उस चौथे चरण के मतदान के तहत 13 मई को सीतापुर में मतदान जो है होना है, उसमें जो है ये मतदान संपन्न कराएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम कुछ से बात भी करवाएंगे और जानेंगे जो है, अपने दर्शकों को जानकारी दिलाएंगे कि ये कौन सी जो है चीज़ें हैं और इनसे क्या होता है। भाई साहब, क्या नाम है भाई साहब आपका? हम तो बिधरी हैं। अरे जय प्रकाश, कोई बात नहीं। हमारे कर्मचारी कम है। जानकारी ये चाहिए जी, ये कौन सी यूनिट है? ये VVPAT है। ये VVPAT है। अच्छा, और ये जो पतले बॉक्स में है, ये बैलेट यूनिट है। इससे जो है बटन दबा करके जो है इसी में मतदान किया जाता है? नहीं, इसमें कंट्रोल, हाँ, बटन दबा के मतदान किया जाए, ये जी कंट्रोल, ये जो है कंट्रोल, ये कंट्रोल यूनिट है। अच्छा, इसके अलावा बूथ बनाने के लिए ये आपको पैड दिया गया, इससे आप लोग जो है बूथ का निर्माण करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 यूनिट हैं, ये जो है बैलेट VVPAT यूनिट है, ये बैलेट यूनिट है, उसके बाद ये छोटे बॉक्स में जो दिख रही है ये कंट्रोल यूनिट है। इसके अलावा ये जो नीचे आपको ये पैड दिख रहा है, इससे मतदान की जो है निष्पक्षता बनी रहे, पारदर्शिता बनी रहे, उसके तहत जो है एक छोटा सा जो है बूथ भी बनाया जाएगा। हमारे साथ एक पोलिंग पार्टी भी मौजूद है और जो है हम बात करवाएंगे और दर्शकों को ये जानकारी देंगे कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार निषाद है। कहाँ ड्यूटी लगी आप? मैं लहरपुर कैमहरा में जी। अच्छा, और तो आप एक पोलिंग पार्टी के जो है मुखिया यहाँ हैं जी। ये सर क्या है? ये उसका वो सेल। अच्छा, ये प्रकोष्ठ जिसमें बूथ बनाया जाएगा, बूथ बनाया जाएगा, पारदर्शिता जो है बनी रहे, इंसान की जो है प्राइवेसी मेंटेन रहे कि वो किसको मतदान दे रहा है। इसके अलावा सर ये कौन सी यूनिट है? ये VVPAT। अच्छा, ये VVPAT है, इससे जो है ये प्रदर्शित होता है कि आपने किसको वोट दिया है। इसके अलावा सर ये कौन सा? ये बैलेट यूनिट। अच्छा, ये बैलेट यूनिट है, इसमें मतदाता आएगा और जो है बटन दबा के अपना मताधिकार का प्रयोग करे। ये सर इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे? इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं सर। अच्छा, एक चौथी यूनिट सर होती, कंट्रोल यूनिट ये कंट्रोल यूनिट है। ये सारी चीज़ों को जोड़ कर रखेगी जी जी
जी जी। तो ये है पूरी जानकारी, ये आपको आपके सामने एक पूरी पोलिंग पार्टी है जिसमें तीन मतदान अधिकारी हैं और एक पीठासीन है जो पीठासीन इनके मुखिया हैं। और ये चार यूनिट आपको दिखा रहे हैं, वीवीपैट यूनिट, बैलेट यूनिट और ये पैड है जिससे बूथ बनाया जाएगा, और ये कंट्रोल यूनिट है। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे ये तमाम भीड़ जो कल जो है 13 मई को होने वाले जो मतदान को जो है 13 मई को मतदान होगा उसको जो है संपन्न कराएगी। आप देख सकते हैं, आपको मैंने आंकड़े बताए कि कुल यहाँ पर 3578 जो है यूनिट जो है बनाई गई है, उसमें 3249 एक्टिव हैं और जबकि 329 जो है वह जो है रिजर्व के रूप में रखी गई है। आप देख सकते हैं ये नज़ारे। हम अन्य लोगों से बात कराएंगे, उनसे जानेंगे। एक मिनट मैम, कुल बोलना नहीं जा रहे हैं। कैमरे के पीछे हसन लोगा है और मैं सीता। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।